हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की विभिन्न भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जिसमें बता रखा है विभिन्न भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र होंगे जारी, यानी 8 से 10 दिन के अंदर जो आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी के पेंडिंग परिणाम हैं वो जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो आपका जेवीएनएल हेल्पर 2 का परिणाम भी जल्द ही जारी होने वाला था। एंड खुशखबरी आप सभी के लिए एक और ये है कि जिन भर्तियों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके अंदर आपको नए सिरे से आवेदन करने का मौका मिलेगा और पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। एंड साथ ही में जो कुछ एक भर्तियां जिनकी एग्जाम डेट भी बदल सकती है, तो अपन देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल के साथ जिसमें बता रखा है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एमबीसी आरक्षण को लेकर, तो उनको 5% आरक्षण दे दिया गया है, जिससे सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो विभिन्न भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र होंगे जारी, तो ये न्यूज़ आज की है। आरपीएससी एंड जो अधीनस्थ बोर्ड है आरएसएम एसएसबी को राज्य सरकार ने एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण संबंधित दिशा निर्देश भेज दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बता रखा है 8 से 10 दिन के अंदर परिणाम जारी किए जाएंगे। और जो आपकी भर्तियाँ हैं उनमें है प्रधानाध्यापक भर्ती, आपकी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती, एंड जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था, एंड जो सहायक उपनिरीक्षक जो आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी एसआई की, तो उन सभी के परिणाम हैं जो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। एंड जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है स्कूल लेक्चरर का, उसकी परीक्षा तिथि आगे खिसक सकती है, ठीक है। 5000 पदों के लिए आयोजित होने वाली थी, 15 से 25 जुलाई इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स की गई है, तो अभी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं जिसमें बता रखा है प्रभावित होगा भर्ती परीक्षा कैलेंडर, तो जो एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकती है, 7 नवंबर तक जो एग्ज़ाम कैलेंडर बना रखा था उसको फिर से बदला जा सकता है। एंड अगले सप्ताह से आएंगे परिणाम, जो विभिन्न भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं वो अगले सप्ताह से जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो सरकार ने क्या आदेश दिए हैं, तो इसको अपन देख लेते हैं। राज्य सरकार ने राजकीय नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% एंड जो एमबीसी को 5% आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन भर्तियों में अभी तक किसी स्तर की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है उन सभी भर्तियों में एमबीसी को 5% एंड ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग से संशोधित वर्गीकरण मांगा गया है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, जिनकी डिग्री कम्प्लीट नहीं हुई थी, वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बता रखा है जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा वे पूर्व में आवेदन तिथि तक पात्र नहीं है, तो वे अब यदि पात्र हो गए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो फिर से इसका विज्ञापन जारी होगा, जिन भर्तियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो फिर से आवेदन मंगाए जाएंगे, और जिन्होंने आवेदन कर रखा है उन्हें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलत फिलअप कर दिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के फॉर्म भी फिर से भरवाए जा सकते हैं, कंफर्म नहीं है, जैसा इसमें आदेश में बता रखा है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। एंड जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन किया था तो वो इसमें संशोधन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये खुशखबरी आप सभी को देनी थी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये जानकारी आप सभी के लिए आ रखा है। और इसमें बता रखा है एएन यानी असिस्टेंट इंजीनियर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षा का परिणाम 8 से 10 दिन में होंगे जारी, तो जल्द ही जारी हो जाएंगे क्योंकि इनका सेकंड एग्ज़ाम भी करवाना है। तो अपन देखते हैं जो आरपीएससी किन किन भर्तियों के फिर से नए आवेदन मांगती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है। एंड जो आपका हेल्पर 2 है जेवीएनएल का, इसका रिजल्ट भी इसी महीने के अंदर आ जाने की संभावना है, ठीक है। इसी महीने के लास्ट तक आपका जेवीएनएल का रिजल्ट आ जाएगा। एंड जो सेकंड ग्रेड एसआई हेडमास्टर इन सभी भर्तियों का परिणाम भी है जो अगले सप्ताह से आना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है जो कुछ भर्तियों की परीक्षा तिथि बाकी है उनकी एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी जा सकती है और उसके अंदर पदों की संख्या की भी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि जो एमबीसी के आरक्षण की वजह से जो पहले वाला वर्गीकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, इसी को लेकर जो पदों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। तो आप सभी देख लीजिए, ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप सभी को देनी थी, थैंक यू सो मच। और इसमें बता भी रखा है कि जो
4% पद सृजित किए जाएंगे एमबीसी के लिए। तो ये पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी जैसा कि आदेश में बता रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये न्यूज़, और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।